हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर फिजियोथेरेपीज बुक का। ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी हम फिजियोथेरेपी से रिलेटेड किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए हम बात करें, जितने भी ऑल स्टेट पीएससी हैं या आरपीएससी का एग्जामिनेशन अब आ रहा है, तो कई लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि कौन सी बुक पढ़ें जिससे हम चारों साल का जो सिलेबस है उसको हम कवर कर सकें और बहुत ही कम समय में हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर फिजियोथेरेपी, जो कि सभी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जॉब इंटरव्यूज के लिए बनी है। जितने भी लोग फिजियोथेरेपी प्रोफेशन से जुड़े हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे जॉब के एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वैकेंसीज हो, तो इसके लिए आप इस बुक को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कई बार ये पूछते हैं कि सर, कोई ऐसी बुक बताइए जिससे हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी बुक, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर फिजियोथेरेपी, जिसको आप पढ़कर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक में चारों साल का जो हमारा सिलेबस होता है वो कवर कर रखा है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। हर टॉपिक के बारे में इसके अंदर शॉर्ट्स नोट दे रखे हैं स्टार्टिंग में। इस बुक के अंदर, जो कि ये बुक है महेंद्र जोहरार की है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, इस बुक के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने पहले 6 चैप्टर बना रखे हैं। पहला चैप्टर है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का, दूसरा चैप्टर है कार्डियोलॉजिकल कंडीशंस का, तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका ऑर्थोपेडिक कंडीशन का, चौथा जो चैप्टर है वो है एक्सरसाइज और बायोमैकेनिक्स का, पांचवा चैप्टर है इलेक्ट्रोथेरेपी का, और जो 6th चैप्टर है वो है आपका क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन का। इन 6 चैप्टर को जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद इन्होंने 150 से ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और उसके बाद 150 जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद इन्होंने कुछ MCQs दे रखे हैं जो कि पुराने साल के अंदर पेपरों में पूछे गए हैं। चाहे आप रेलवे की वैकेंसीज में गए हो, चाहे आप RPSC का एग्जामिनेशन आपने दिया हो, तो उन पुराने सालों के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं उसका MCQs भी इस बुक में अवेलेबल है। तो जब आप 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो इन्होंने 150 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं वो जब आप पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो MCQs आप सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो इस बुक को आपको परचेस करना चाहिए। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम गिव अवे करने वाले हैं इस बुक का। तो अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप इस बुक को लेना चाहते हैं, तो आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक इस बुक के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी एक लकी व्यूअर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ये बुक। और साथ ही इस बुक के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या ये बुक सही है परचेस करने के लिए, कि किसी भी फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप किसी बुक से करते हैं या पूरे चारों साल का सिलेबस आप उठा के बैठते हैं और एक एक टॉपिक कवर करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो वैल्यूएबल फीडबैक है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।